हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। तो आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे शुक्र का गोचर। शुक्र संसार में जो भी सुंदर है वो शुक्र है। हम और बेहतर कर ले जाएं, और बेहतर हो जाने की आकांक्षा और बेहतर कर लेने की चाह, वो शुक्र है। शुक्र जितना भी संसार में लग्जरियस आइटम है वो सब शुक्र है। शुक्र ना होता इतनी भाग दौड़ ना होती, सब कुछ सुंदर बना लेने की इच्छा ना होती, और शुक्र ना होता तो प्रतिस्पर्धा भी ना होती, शुक्र ना होता तो कला जगत भी ना होती और नशा भी ना होता। तो चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री देखें या चमक धमक देखें, रात की रंगीन पार्टी देखें या नशा करते हुए बिगड़ते हुए युवाओं को देखें, तो वो सब शुक्र का ही प्रभाव है। कलिकाल में शुक्र बहुत प्रभावी हैं और लक्ष्मी के कारक माने जाते हैं। इनका गोचर जब भी कुंडली में होता है कुछ न कुछ खास देखे जाते हैं। और भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो उसके बाद हम जो कुंडली देखते हैं वो वृषभ लग्न की देखते हैं, तो वहाँ पे भी शुक्र का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अब शुक्रदेव की जो गोचरी स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि शुक्रदेव जा रहे हैं अब कन्या में। 11 अगस्त को कन्या में जाएंगे और 11 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक ये कन्या में रहेंगे। अब सितंबर में देखें तो अगस्त में ही देखें तो बुध भी इनको अगस्त में मिलेंगे, और बुध की जो मिलने की स्थिति बन रही है वो 26 अगस्त के आसपास बन रही है। तो आप कह लें कि 11 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक नीच के रहेंगे। किसके रहेंगे? नीच के रहेंगे। उसके पास जैसे जैसे बुध देव वहाँ उपस्थित हो जाएंगे तो इनके साथ निम्न भंगराज योग परिवर्तित हो जाएगा, माने नीच का दोष खत्म हो जाएगा। तो क्या प्रभाव देंगे ये भारतवर्ष की कुंडली में और आपकी कुंडली में, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक। पहले बात करेंगे भारतवर्ष की कुंडली। तो भारतवर्ष की कुंडली में वृषभ लगन की कुंडली हम भारतवर्ष की देखते हैं, और ग्रहों की अगर बात करें तो देखिए अभी ये हो रहे हैं जाके कन्या में नीच के, मतलब पंचम भाव में नीच के। पंचम में नीच होना, पंचम में नीच का होना मतलब प्रेम में नीच का होना, प्रेम में पक्षपात करना, प्रेम में अपने उत्तरदायित्व बोध को भूल जाना। नीच होने का क्या तात्पर्य है? नीचे चले जाना। आदर्श की जो आपने रूपरेखा या आदर्श की लाइन खींच रखी है उस लाइन से खुद को नीचे गिरा देना, यही नीच का है। ग्रहों की जो नीच का तात्पर्य है माने उनकी रेस से आपको दूर हो जाना, जो आपको जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी को भूल जाना। तो ये प्रेम के घर में जाके नीच का हो रहा है, मतलब अली कली ही सो विधो आगे कौन हवाल। ये पंक्ति तो आपने सुनी होगी ना, अली कली ही सो विधो आगे कौन हवाल। तो ऐसी स्थितियां बन रही हैं क्योंकि शुक्र भी राजा के घर से आया है, सूर्य के घर से आया है, तो कन्या में आके थोड़ा सा आलसी हो जाएगा। मंगल के साथ रह के आया है, सेनापति के साथ रह के आया है, राजा के साथ रह के आया है, तो इस तरह की स्थितियां प्रभावशाली आपके लिए होंगी। अब यहाँ पे जो जिनको काम करना चाहिए वो थोड़ा आलस्युक्त हो सकते हैं, थोड़ा भोगात्मक हो सकते हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन जनता का धन है तो जनता के धन में निम्न के हो रहे हैं, इसका मतलब कि जनता के लिए जो सरकार पैसा आवंटित कर रही है उसमें भी थोड़ी निम्नता आ रही है। कौन से? जो जिनको काम करना चाहिए बड़े लेवल पे, अधिकारियों पे नहीं, अधिकारी के जो बाप होते हैं उन पे, उन लेवल पे भ्रष्टता आ रही है, भ्रष्टाचार आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये वक्त बताएगा भ्रष्टाचार कितना आ रहा है। तो मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक आपके कुंडली में शुक्र का गोचर क्या प्रभाव देगा? तो शुक्र महाराज कन्या में गोचर करेंगे। कन्या मतलब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र, तीन तीन नक्षत्रों की रश्मि को लेके या राशि आगे बढ़ रही है। तो इसके अनुसार शुक्र देव यहाँ पे इन रश्मियों को कनेक्ट करेंगे और आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे। मेष लगन मेष राशि, तो मेष लगन मेष राशि वालों के लिए आपके द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी हो रहे हैं नीच के। तात्पर्य यह है कि
आप मूल त्रिकोणी राशि इनके सप्तम भाव में है, लेकिन फल तो इनको द्वितीय भाव का भी देना है, तो आपकी वाणी खराब हो रही है, वे आर टॉकिंग आपकी खराब हो रही है। जहां पे जो बोलना है वो आप भूल जाएंगे, जो नहीं बोलना है उसको बोल जाएंगे। आपके धन का स्वामी कष्टम में जा रहा है, तो धन भी आपका गड्ढे में जा रहा है, वाणी खराब हो रही है, और मुख आपका जा रहा है रोग के घर में, तो खान पान भी आपका हो रहा है दूषित, तो थोड़ा सा खान पान पे विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। और यहीं पे आपके राहु महाराज भी कर रहे हैं वर्तमान में गोचर, तो राहु आपकी व्यापार टाकिंग को बिगाड़ने के लिए तैयार हैं, और राहु का अगर इनका खराब प्रभाव हुआ तो आप धूम्रपान नशा इत्यादि की ओर बढ़ जाएंगे, नशा आप करना शुरू कर देंगे। अब जब आप नशा करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन साथी से होगा आपका दुराव, क्योंकि जीवन साथी का स्वामी अपने से बैठा है 12 में, वो अपने से हो जाएगा दूर, आपसे हो जाएगा दूर, 360 डिग्री दूर चला जाएगा। और उसके दूर जाते ही आपका व्यापार, व्यापारिक रिश्ते वो खराब होना आरंभ हो जाएंगे, और इसको जो आपको समझ में आएगा 26 अगस्त के आसपास समझ में आएगा, उसके पहले आप मस्ती में रहेंगे। तो कृपया विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था, आपका कुटुंब और आपका परिवार, ये तीनों आ रहे हैं तनाव में। शुक्रदेव की आराधना करें, गाय को मीठी रोटी खिलाएं, निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा। वृषभ लगन वृषभ राशि, तो वृषभ लगन वृषभ राशि में आपके शुक्रदेव पंच खष्टेश और लग्नेश होके पंचम भाव में हो रहे हैं नीच के। तो लग्नेश का पंचम भाव में नीच का होने का तात्पर्य वही है कि आप प्रेम में नीच के हो रहे हैं, संतान के मोह में नीच के हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, संतान का मोह भी जिस कर्तव्य पथ पे हमें आगे बढ़ना चाहिए उस कर्तव्य पथ पे नहीं बढ़ने देता और रोक देता है, जैसे धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। तो ऐसी कुछ स्थितियां जैसे आजकल हमारे नेता करते हैं, अपने बच्चों को ही आगे बढ़ाते हैं, तथा कथित जो पार्टियां हैं, नाम है समाजवादी, लेकिन देखिए एक परिवार का ही विकास है, सिर्फ परिवार के लोग ही नेता हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी समाज के अन्य वर्गों को भी सम्मिलित किया जाए। तो यहाँ पे जो बड़े लोग हैं वो ऐसे काम कर सकते हैं, आप भी ऐसा काम कर सकते हैं, अपने संतान को लेके और लोगों की आप अनदेखी कर सकते हैं, या प्रेम में आप निम्नता आ सकते हैं, क्योंकि कष्टम भाव में मूल त्रिकोणी राशि भोगात्मक राशि है, इसलिए प्रेम की अपेक्षा वासना ज्यादा हावी रहेगा। उपाय के तौर पे करें तो लक्ष्मी सूक्त का, श्री सूक्त का पाठ करें, आप लक्ष्मी की आराधना करें, गाय को मीठी रोटी खिलाएं, चींटियों को अपंजीरी खिलाएं, आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में आपके पंचमेश और व्यास पंचम भाव का स्वामी अपने से द्वादश जाएगा और द्वादश भाव का स्वामी चतुर्थ में, तो माता संबंधी तकलीफ होगी तब तक 26 अगस्त तक। तो 26 अगस्त तक विशेष ख्याल रखें, क्यों, क्योंकि 26 अगस्त तक आपके माता का स्वामी अपने से द्वादश है, शुक्र यहाँ अपने से द्वादश होकर नीच का हो रहा है, उसकी दूसरी राशि द्वादश में है, तो द्वादश द्वादश बहुत बन रहा है, तीन द्वादश बन रहे हैं, और तीन बन जाए कोई चीज तो वो घटना घट जाती है। तो माता का विशेष ख्याल रखें, घर में तनाव ना फैलने दें, किसी थर्ड आदमी की वजह से व्यवसाय घर में तनाव फैल सकता है, दूसरों की कम सुने, आंखों देखी ज्यादा यकीन करें, कानों सुनी कम करें। उपाय के तौर पे क्योंकि पंचमेश है तो संतान संबंधी तकलीफ हो सकती है, उधर संबंधी परेशानी हो सकती है, संतान आपके इस समय आपसे दूर जा सकती है, संतान में निम्नता आ सकती है, ऐसी भी चीजें आपके साथ हो सकती है, तो उसके पहले ही आप थोड़ा सा घर में पूजा पाठ कराइए, लक्ष्मी जी की आराधना करिए, और आप कोई आपकी बहन बेटी बुआ इत्यादि हो, कोई स्त्री वर्ग है, उसको थोड़ा सा सुगंधित द्रव्य दीजिए, सुगंधित सामान दीजिए, कपड़े हो गए, इत्र हो गए, या सजने संवरने की जो सामग्रियां हैं वो आप प्रदान कीजिए, तो आपके लिए बेहतर विकल्प रहेगा। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि में शुक्रदेव आपके सुखेश हैं और आयस हैं, तो बहुत अच्छी पोजिशन में बैठे हुए हैं, सुख भाव और आय भाव, अभी नीच के हो रहे हैं अपने से द्वादश जाके, तो चतुर्थ का स्वामी अपने से द्वादश जाएगा। अब चतुर्थ का स्वामी द्वादश जाना बहुत अच्छा विकल्प नहीं है, जैसे मिथुन लगन वालों के लिए माता संबंधी परेशानी, वैसे आपके लिए भी माता संबंधी परेशानी आएगी, घर में तनाव रहेगा, मांगलिक कार्य करते ही घर में कोई ना कोई मुंह फुला के बैठ जाएगा, और इस समय आपके माता और आपके बच्चों की माता के बीच जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतर होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो उसका भी विशेष ख्याल रखें, क्योंकि सप्तमेश भी वक्री चल रहा है और चतुर्थेश चल रहा है अपने से द्वादश, तो दोनों अपनी बातों पे अड़िग हैं, हम गलत नहीं है, तुम ही गलत हो, इस तरह की स्थितियों को संभालने की जिम्मेदारी आपकी बनती है।
उपाय के तौर पर निश्चित रूप से शुक्र को मजबूत करना चाहिए। तो गाय को मीठी रोटी खिलाएं, चींटियों को पंजीरी खिलाएं और अपनी माता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपके जीवन साथी और आपके माता दोनों लक्ष्मी स्वरूपा हैं। तो दोनों को समझाएं, एक को प्रणाम करें, एक को सम्मान करें, आपका काम बन जाएगा। सिंह लगन सिंह राशि। सिंह लगन सिंह राशि में आपके शुक्रदेव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। मूल त्रिकोण राशि जो उनके पराक्रम भाव में है वो वहां से हो रहे हैं द्वादश। द्वादश कहाँ हो रहे हैं? राधे राधे। तो द्वादश हो रहे हैं सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में। तो वाणी के घर में शुक्र हो रहे हैं द्वादश, लेकिन अपने से पंचम हो रहे हैं और अपने से द्वादश। तो बंधु बांधवों के साथ जो वार्ता कर रहे हैं तो थोड़े से सोच समझ के वार्ता करिए, नहीं बंधु बांधवों के साथ हो जाएगा विवाद, कुटुंब में हो जाएगा तनाव। पिता से संबंध आपके बेहतर होंगे, बंधु बांधवों से विरोध के बावजूद पिता आपका सपोर्ट ही करेंगे, पिता जो है आपको गलत नहीं मानेंगे, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ के लोग भी आपका सपोर्ट करेंगे, यद्यपि आप उनसे दूर रह सकते हैं लेकिन वो आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आप हर तरह से आपका वो सपोर्ट करेंगे। सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए शुक्र अगर नीच के भी हो रहे हैं तब भी लाभ ही दे के जा रहे हैं। अब बुधदेव जैसे यहाँ पे आएंगे तो उनका निम्नत्व खत्म हो जाएगा, तो और आपको लाभ दे के जाएंगे। कर्म क्षेत्र में प्रगति, बंधु बांधवों के सहयोग से धन की प्राप्ति हो रही है, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। फिर भी आप श्री सूक्त का पाठ करें, माता रानी की आराधना करें। कन्या लगन कन्या राशि। कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा तनाव स्टार्टिंग में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपके लग्नेश जो है द्वादश में रहेंगे, तो लग्नेश का द्वादश का होने का मतलब है कि आप जिन बातों पे आपको फोकस करना चाहिए उन बातों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, सीधा सा मतलब है। जिन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, अपनी कम लोगों की बातों को ज़्यादा सुन रहे हैं या लोगों का कार्य ज़्यादा कर रहे हैं, जबकि आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। आप यहाँ पे लगे द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव का स्वामी नीच के हो रहे हैं और उसकी सप्तम उच्च की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, तो कहीं ना कहीं डगमगाने की स्थिति बन सकती है। डगमगाइएगा नहीं, अगर डगमगाएंगे तो आपको तनाव मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि लग्नेश द्वादश में चल रहे हैं और सूर्य की राशि में चल रहे हैं, तो खाया पिया एक नहीं गिलास टूटी नौ नौ, आप कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन आपके ऊपर इतने आक्षेप लग जाएंगे कि आप जिंदगी भर सोचेंगे यार वहां जाने की मैंने गलती क्यों की, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो या जैसे जब तक बुधदेव आपके लगन में नहीं आ जाते तब तक बहुत संभल के आपको काम करना है। जैसे ये लगन में आएंगे निम्न भंगराज योग कन्वर्ट कर देंगे, तो जो कुछ आप 20 में आपने लगभग 14-15 दिन में खोया है उसको आप बहुत तेजी से कलेक्ट कर लेंगे, तो धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी के दृष्टिकोण से थोड़ा सा तकलीफ दे रहेगा क्योंकि वो चल रहे हैं अपने से द्वादश, और यहाँ पे जो शुक्र की दृष्टि पड़ रही है उसमें थोड़ा सा मार्केश का भी प्रभाव है, थोड़ा सा द्वितीय से इसलिए मार्केश का भी प्रभाव है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रखें ख्याल, या अगर शुक्र का आप उपाय करते हैं तो यह गोचर आपको बहुत ही शुभ परिणाम दे के जाएगा। तो श्री सूक्त का पाठ करिए, एक स्फटिक का श्रीयंत्र रख लीजिए, उस पे फ्राइडे गन्ने के रस से अभिषेक करिए, शुक्र बहुत अच्छा फल दे के जाएंगे। गाय को मीठी रोटी खिलाइए या चींटियों को आप पंजीरी खिलाइए, आपके लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा। तुला लगन तुला राशि। तुला लगन तुला राशि वालों के लिए बात करें तो आपके लग्नेश ही है और लग्नेश जो है आपके नीच के हो रहे हैं, कहाँ पे? द्वादश में जाके। तो अभी तक हम जो गोचरी स्थिति देख रहे थे तुला के लिए बहुत अच्छी थी, यहाँ पे जो बुध की गोचरी स्थिति है वो तुला को, शुक्र की जो गोचरी स्थिति है वो तुला को थोड़ी तकलीफ दे रही है, क्योंकि आपके लग्नेश द्वादश में जा रहे हैं और नीच के, मतलब वही चीजें हैं कि आप भी अपना ख्याल सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, आपका जो फोकस है वो सैया सुख पे ज्यादा है, तो सैया सुख से उठिए। अली कली सो विदेव आगे कौन हवाल, तो थोड़ा सा चेतनता अपने अंदर लाइए, थोड़ा सा मलिनता को त्याग करिए। आपके जीवन में भोग की कमी नहीं है, आपके सुखे सुख भाव में ही गोचर कर रहे हैं तो सारे भोग मिलेंगे, लेकिन उसकी एक उम्र है, तो किसके साथ भोगात्मक होना है ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि लग्नेश आपका कन्या राशि में गोचर कर रहा है, मतलब कम उम्र के लोगों के साथ आप योग मानी भोग में जाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको तकलीफ देगा, वो आपको परेशानी देगा। बिल्कुल क्लियर सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए
अपने शुक्र को मजबूत रखिए, वो आपके व्यथित ना करने पाए, आपको पथ भ्रष्ट ना करने पाए, नहीं तो ये द्वादश भाव में इसकी स्थिति बन रही है और जैसे बुध की स्थिति बनेगी तो इसकी गति द्रुत हो जाएगी। आपको आफर पे आफर मिलेंगे, आप नाली में गिरते चले जाओगे, इसलिए शुक्र के मंत्रों का जाप करें, माता रानी की आराधना करें, सबके अंदर जो भावना है वो मातृत्व वाली ले आए, तभी आपके लिए कल्याण प्रद होगा, गोचर नहीं आपको परेशानी देकर जाएगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में शुक्रदेव आपके कुंडली में व्यस हैं और सप्तमेश हैं। सप्तम भाव भोग का है और द्वादश भाव सही सुख का है, आप ऐसे कह सकते हैं। अब इसका स्वामी एकादश भाव में वहां से आ रहा है, अपने से बारह में, बारहवा का स्वामी अपने से बारह में, सप्तम का स्वामी अपने से पंचम, सप्तम पंचम, सप्तम पंचम याद रखिए। तो सप्तम को पंचम में रहा है और भोग को व्यय में जा रहा है, स्थिति समझ रहे हैं ना? हाँ, कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि अभी तक आपके लग्नेश के साथ ही शुक्र था, शुक्र आपके लग्नेश के साथ था, अब शुक्र प्रेम के साथ जा रहा है। प्रेम किससे? सप्तम का प्रेम। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप कम बातों में ज्यादा समझेंगे, ऐसी मुझे आपसे अपेक्षा है। तो आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, तो थोड़ा विशेष रखें ख्याल, ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। शुक्र के मंत्रों का जाप ही आपके लिए कल्याण प्रद होगा। धनु लगन धनु राशि, तो धनु लगन धनु राशि में शुक्र खष्टम के स्वामी और खष्टम से खष्टम के स्वामी है, तो भावत भावम सिद्धांत के अनुसार पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। अब ये निम्न की ओर है कर्म भाव पे, तो बड़े भाइयों से थोड़ा संबंध आपके खराब हो सकते हैं, बड़े भाइयों से आप दूर हो सकते हैं, या बड़े भाइयों की वजह से पिता से आपके मनोमालिन्य हो सकते हैं, बड़े भाई भी परेशानी में आपके आ सकते हैं, आपके कर्म क्षेत्र पे परेशानी आएगी, पिता से संबंधों में खराबी आएगी और आपके पैरों में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। जो स्थितियां बन रही हैं ऐसी बन रही हैं। शुक्र का उपाय करें, शुक्र का जाप करें, शुक्र की चीजों का दान करें, आपके लिए कल्याण प्रद रहेगा। बात करें मकर लगन मकर राशि की, तो मकर लगन मकर राशि में शुक्र आपके दोस्त बहुत अच्छे भावों के स्वामी हैं, एक तो पंचमेश है दूसरे कर्मेश है। अब पंचम भाव का स्वामी कर्म भाव का स्वामी आपकी कुंडली में पंचमेश और कर्मेश हो जाएंगे नीच के, नीच के कहाँ पे हो रहे हैं? भाग भाव में हो रहे हैं, ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, भाग के घर में जाके नीच के हो रहे हैं। कर्म भाव का स्वामी अपने से द्वादश, तो पाराशरी राजयोग बन रहा है लेकिन निम्न के हो रहे हैं, तब तक आपको फल नहीं मिलेगा जब तक बुध देव यहाँ पे आएंगे नहीं, माने 26 अगस्त तक आपकी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। खष्टेश आपके नीच के हो रहे हैं, सॉरी आपके पंचमेश नीच के हो रहे हैं और जिनके घर में नीच के हो रहे हैं वो खष्टम भाव का आधिपत्य लेके बैठे हैं, तो प्रेम में शत्रुता, संतान आपके विरोध में आ जाएगी, उधर आपका तकलीफ में आ जाएगा, कर्म आपका निम्नता की ओर जा रहा है, पिता से संबंध खराब होंगे, अधिकारियों से संबंध खराब होंगे, तो बहुत आवश्यकता है इसको ठीक रखने का। तो 26 अगस्त तक रखें विशेष ख्याल, जैसे बुध यहाँ पे आएंगे बुध अपने आप सबको ठीक कर देंगे। तो शुक्र के मंत्रों का जाप करें, गाय को मीठी रोटी खिलाएं, चींटियों को पंजीरे खिलाएं, आपके लिए अच्छा होगा। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव चतुर्थेश हैं और नवमेश हैं, भूमि भूवर वाहन माता का सुख माता और भाग्य भाव, भाग्यम फल सर्वदा न विद्यारच पौरुषम, जा रहे हैं अष्टम भाव में गड्ढे में, माता भी गड्ढे में, भाग्य भी गड्ढे में, तो ये जो समय है थोड़ा सा तनाव का है, बहुत अच्छा नहीं है निम्नता के लेके। सेकंड अष्टम भाव ससुराल है, आपका ससुराल है, ससुराल को लेके या ससुराल में माता निम्नमत हो रही हैं, ससुराल में माता नीच की हो रही, मतलब ससुराल से जो संबंध आपके मधुर हो रहे हैं वो आपके घर वालों को मीठे कम लग रहे हैं, हितकर कम लग रहे हैं, उसकी बातों को लेकर चिकचिक हो सकती है। तो जब तक बुध देव माने 26 अगस्त तक यहाँ पे नहीं आ जाते, विशेष ख्याल रखना है कौन सी बातों को कहाँ संभालना है, कौन सी बातों को कितनी तूल देनी है, कौन सी बातों को वहीं पे खत्म कर देना है, ये आपको सीखना होगा, नहीं तो यहाँ पे बच्चों की माता और आपकी माता के बीच तनाव हो सकता है। शुक्र का उपाय करें, शुक्र संबंधित चीजें खुद खाएं और
सफेद कपड़े पहने, इत्र वगैरह लगाएं, शुक्रवार के दिन सुगंधित द्रव्य लगा के रखें, सुगंधित इत्र लगा के रखें, निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि वालों के लिए जब भी मैं गोचरी स्थिति की बात करता हूँ थोड़ा सा अंदर से ना हिल जाता हूँ, क्योंकि मीन लगन मीन राशि वाले बहुत तकलीफ में चल रहे हैं। कोई भी गोचरी स्थिति इनको तकलीफ देने के लिए नहीं आ रही है, लेकिन इनका लग्नेश ही कमजोर है। जब लग्नेश आपका कमजोर होता है तो कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर प्रत्याघात करके चला जाता है, और जब लग्नेश मजबूत होता है तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती आपको कुछ कर पाए। आज से 7-8 साल पहले यही देश था, यही आर्मी थी, लेकिन दूसरे देश के लोग आते थे, आक्रमण करके चले जाते थे, हमारे प्रधानमंत्री कठोर निंदा करते थे। लेकिन जैसे ही लग्नेश मजबूत हुआ, अभी क्या हो रहा है, बालाकोट भी हो जा रहा है, स्ट्राइक हो जा रही है, दूसरे कांपते रहते हैं। अभिनंदन को पकड़ लिए, उनको लगा नहीं मार देंगे, इसलिए रिस्पेक्ट के साथ छोड़ाते हैं। तो अभी आपका लग्नेश कमजोर है, इसलिए कोई भी ग्रह बहुत कुछ देना भी चाहे तो दे नहीं पा रहा है। अब शुक्र की बात करें, शुक्र आपके अष्टमेश हैं, आयु के स्वामी हैं, और तृतीय से ये भी आयु के स्वामी हैं, तो दोनों आयु के स्वामी नीच की ओर हैं, रोग के घर में, और सारी सप्तम भाव में, तो मार्केश के घर में नीच की हो रहे हैं, तो आयु संबंधित आपको कष्ट मिलेगा। यहाँ पे आपके बुध देव भी अपने से द्वादश जा रहे हैं, तो आपके जीवन साथी के लिए समय बहुत खराब है। 26 अगस्त तक आपके जीवन साथी के लिए समय बहुत ज्यादा खराब है। 11 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक आप निश्चित रूप से जान के चलिए कि आपके जीवन साथी यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त होने वाले हैं। बिल्कुल क्लियर आपको बता रहा हूँ, उनका विशेष ख्याल रखें, उनका पता करें, उनका लग्नेश कौन है, कहीं मार्केश तो नहीं चल रहा है उनके ऊपर, क्योंकि मृत्यु का स्वामी जीवन साथी के घर में चल रहा है अपने से 12 में, और सप्तम का स्वामी अपने से 12 में जा रहा है, तो स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। भगवान शिव की आराधना करें। भावी मेट सके त्रिपुरारी, उन्हीं के अंदर क्षमता है, वो सब कुछ मेट सकते हैं। गुरु का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि आपके सुख भाव के स्वामी वही हैं, और जीवन साथी का साथ रहना, बच्चों का साथ रहना, ये सुख भाव से देखा जाता है। सुख भाव अगर अच्छा है तभी ये लोग साथ रहते हैं, नहीं तो कोई 2 कदम साथ चलता है, कोई 10 कदम चलता है, और बाद में आपको छोड़ ही देता है। तो अपने गुरु को हर स्थिति में मजबूत करके रखें, शुक्र संबंधित चीज़ों का दान करें, माता रानी की आराधना करें। आपके लिए जो यह गोचर है वो मंगल हो, ऐसी हमारी आपके लिए शुभकामना। तो फिर चर्चा करेंगे किसी ज्योतिषी बिंदु पे, तब तक